सभी को नमस्कार। मैं हनुमान साय कुमार, सहाचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा। वे छात्राओं, आज हम बी ए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट हिंदी साहित्य रीतिकाल में केशवदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को समय की दृष्टि से यद्यपि भक्ति काल के स्थान दिया है, फिर भी प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीति काल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशवदास से हिंदी रीति परंपरा का प्रारंभ होता है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी कवि के रूप में ख्यात रहे हैं। उन्हें अधिकतर विद्वान रीति काल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। केशवदास का जन्म 1560 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई, ऐसा विद्वान मानते हैं। उनकी जन्म और मृत्यु के संबंध में जो तिथियां है वो आगे पीछे भी बताई गई है। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे। इनके वंशजों का मुगल स्थान ब्रज और राजस्थान के दिल्ली डीग मार्ग पर कुंबेर गांव माना जाता है। ये सनाड ब्राह्मण पंडित कृष्णदत्त के पुत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनके पूर्वज संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनका घर का वातावरण संस्कृत में था। इनके नौकर चाकर संस्कृत में ही बातचीत करते थे। इन्होंने कवि प्रिया में लिखा है, भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंद मती ते कुल केशवदास। केशवदास कहते हैं, मेरा कुल वे कुल था जहाँ पर पशु पक्षी भी संस्कृत में बातचीत करते थे और ये बोली और हिंदी जैसी भाषा लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन मैं हिंदी का कवि बनकर मैंने मंद मती होना स्वीकार किया है। केशव मूलतः अलंकारवादी कवि कहे जाते हैं, क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर नहीं मानते थे। उन्होंने लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिन्न विराजई कविता बनिता मीत। उन्होंने कहा है, हे मित्र, कविता और स्त्री बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं हो सकती। यद्यपि चाहे वो कितनी ही सुंदर हो, कितनी उसके अंगों में सरसता हो, कितनी अंगों में सुडोलता हो, कुल और जाति और कितने ही चाहे लक्षण हो, लेकिन बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं हो सकती, सुंदर नहीं लग सकती। इनकी जो रचनाएं हैं वो नौ रचनाएं हैं, जिनमें रसिक प्रिया है पहली, जो 1591 में इसी में लिखी गई है। इसका जो मूल प्रतिपाद्य है वह श्रृंगार रस है। ये 16 प्रकाशों में विभाजित है। प्रारंभ के 13 प्रकाश श्रृंगार रस से हैं से संबंधित है और अंत के जो 3 प्रकाश है वो अन्य रस वृत्तिया और काव्य 200 से संबंधित है। दूसरी रचना है कविप्रिया। ये रचना अलंकार निरपुण से संबंधित है। इसमें अलंकारों का सामान्यतः वर्णन किया गया है, उनके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं और मूलतः ये रचना अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें काव्य रीति काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन है, क्योंकि केशव अलंकार के अंतर्गत ही रस छंद और काव्य दोष शब्द शक्ति आदि को लेते हैं। इस ग्रंथ में केशव का आचार्यत्व व कवित्व पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तीसरी रचना है रामचंद्रिका। जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें भगवान राम की कथा पर आधारित ये उनका चर्चित महाकाव्य है। इसकी जो संवाद शैली गजब की है और ये रचना सन 1601 में लिखी गई है और इसके बाद जो ग्रंथ है वो छंदमाला है। एक रचना इनकी छंदमाला है, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है और इसमें इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सतेत्र छंद के लक्षण और उनके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और दूसरे में 26 मात्रा वृत्तों की लक्षण और उदाहरण कवि ने लिखे हैं। अगली रचना है विज्ञान गीता।
ये उनका एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें उनके दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया गया है और इसमें आत्मा परमात्मा संसार और माया इसका उन्होंने निरूपण किया है। अगली रचना है रतन बावनी। ये रतन बावनी महाराज राम सिंह की वीरता का इसमें बखान किया गया है और 56 छंदों में ये लिखा गया है। अगली रचना है वीर सिंह देवचरित। ये 1607 ईस्वी में लिखी गई है। इसे महाराज वीर सिंह के का चरित्र का वर्णन है, लेकिन वर्णन चरित्र का तो वर्णन कम है, लेकिन दान लोभ आदि का वर्णन प्रचुर मात्रा में किया गया है। अगली जो रचना है वो जागीर जसचंद्रिका है। ये रचना 1612 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें 201 छंदों में जहांगीर के दरबार का चित्रण किया गया है। अंतिम जो रचना है वो नक्षिक है और ये श्रृंगार पर रचना है। इसके अंतर्गत राधा के विभिन्न अंगों का चित्रण किया गया है। तो ये 9 ग्रंथ केशव के रचे हुए बताए जाते हैं। नक्षिक को रसिक प्रिया के अंतर्गत ही माना गया है, लेकिन बाद में इसको अलग कर लिया गया है जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने बताया है। और हम इनकी रचनाओं के आधार पर केशव का आचार्यत्व और कवित्व के बारे में विवेचन करें तो आचार्य दृष्टि से उनके जो 3 ग्रंथ है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला, जिनमें जिनका हमने पूर्व में विवेचन किया ही है, इन ग्रंथों में केशव ने भामय का काव्य अलंकार, डंडी का काव्य दर्श और रुद्रट का काव्य अलंकार सार संग्रह, केशव मिश्र का अलंकार शेखर आदि प्राचीन रचनाओं का उन्होंने अनुकरण किया है, जो रसरीति आदि सभी अलंकारों के अंतर्गत लेते हैं। मतलब इन्होंने भामय, रुद्रट और उद्भट, डंडी और केशव मिश्र की रचनाओं को अपने काव्य का आधार माना है। जबकि साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और उन्नत रूप में लाने वाले मम्मट आनंद वर्धनाचार्य विश्वनाथ का उन्होंने आश्रय नहीं लिया है, जबकि चिंतामणि ने मम्मट आनंद वर्धन विश्वनाथ का अनुकरण किया है, इसलिए शुक्ल ने उन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। कवित्व की दृष्टि से केशव का गौरवपूर्ण स्थान है। उन्होंने मुक्तकों के साथ साथ प्रबंध काव्य की रचना का सूत्रपात किया। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जस रामचंद्रिका, रत्नवावनी और रामचंद्रिका, ये 5 प्रबंध काव्य है जिसमें रामचंद्रिका सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो आचार्य की दृष्टि से उनके 3 काव्य हैं और शेष जो 5 है जो उनके कवित्व को दर्शाते हैं कि आचार्य कवित दोनों ही प्रतिभा उनमें गजब की थी। केशव की कविता में अलंकार की प्रवृत्ति और पांडित प्रदर्शन की प्रमुखता थी, उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई। उनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में ये युक्ति प्राय कही जाती है, कवि को देन ने चाहे विदाई, पूछे केशव की कविता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में लिखा है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। ये संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर और अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियाँ लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, असक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि कारण
भी ऐ प्रांजल और ऊबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका। केशव की कविता को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उसका प्रधान कारण यही उनकी त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं है। कहने का अर्थ यह कि उन्होंने संस्कृत जो साहित्य था उनसे सामग्री लेकर ज्यों की त्यों अपने काम में रख दी है, न तो अर्थ स्पष्ट कर सके और न कोई मौलिकता का भाव उन्होंने आ सका, इसलिए केशव की कविता को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कवि को देने चाहिए विदाई पूछे केशव की कविताएं, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव की कविता में प्रबंध रचना की गुणनीति, शुक्ल जी ने प्रबंध रचना के लिए तीन आवश्यक तत्व माने हैं, जिनमें पहला है संबंध निर्वाह, दूसरा है कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और तीसरी है दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की दृष्टि से की क्षमता तो केशव में बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह जान पड़ती है। दूसरी बात कथा के गंभीर व मार्मिक स्थलों की पहचान भी उनमें नहीं है, नहीं थी। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़कर चले गए या यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया गया। राम आदि के वन जाते समय देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों ने से कुछ कहलवाया भी तो इस प्रकार, किंदो मुनि सापत, किंदो मुनि ब्रह्म दोसरत, किंदो कोई ठगो। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास में जा रहे थे तो वनवासी लोगों से इन्होंने इस तरह कहलाया कि ये किंदो मुनि सापत या तो किसी मुनि के साप के मारे हुए हैं, किंदो ब्रह्म दोसरत या किसी ब्राह्मण की हत्या का दोष के कारण ये जा रहे हैं, किंतु कोई ठगो या कोई ठग है, किसी को ठगने वाले व्यक्ति है। अर्थात उन सौम्य मूर्तियों को देखकर भी इनके मन में कहीं करुण भावना उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि ये मूर्ति दरबारी वातावरण में रहते थे और दरबारी वातावरण में किस तरह लोग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे, इसलिए राम लक्ष्मण जब वनवास में जा रहे थे तब इनके मन में है करुणा की भावना नहीं जागी, इसलिए ये मार्मिक प्रसंगों को या तो चलता कर गए या फिर इन्होंने उनको छोड़ दिया। तीसरी जो विशेषता इनकी प्रबंध काव्यों में दृश्यों की स्थान स्थान की रचनाओं में ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि आचार्य शुक्ल जी मानते हैं कि प्रबंध काव्य रचना के प्रबंध रचना के योग ने तो केशव में शक्ति थी और नई अनुभूति थी। इनकी रचनाओं में दृश्यों की स्थानगत विशेषता ढूंढना व्यर्थ है, अर्थात प्रकृति चित्रण का जो स्वच्छंद रूप होना चाहिए था वो उनकी रचनाओं में नहीं है। केशव की रचनाओं में सबसे अधिक अखंडने वाली वाली बात है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो ये भावों की स्वाभाविक व्यंजना के लिए जगह बसती है और न ही सच्चे हृदयगाही वस्तु वर्णन के लिए पद दोष वाक्य दोष आदि तो जगह जगह यूँ ही मिल जाते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं, जैसे राम की वियोग दशा में जब राम सीता का हरण कर लिया जाता है और भगवान राम सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होते हैं तो कवि ने इस तरह वर्णन किया है कि बासर की संपत्ति उल्लुक ज्यों चितवत है। राम लक्ष्मण दोनों जब वियोग में बैठे हुए हैं तो उस समय इन्होंने इस तरह बताया है कि दिन के उजाले में जैसे उल्लू देखता है ऐसे भगवान राम और लक्ष्मण देख रहे हैं। केशव का मन, केशव की रामचंद्रिका की सबसे अधिक जो खूबी है या उनके प्रबंध काव्य की सबसे अधिक खूबी है वह यह है कि उनका जो मन है केशव का वो रास्ते ठाटपाट तैयारी नगरों की सजावट चहल पहल आदि वर्णों में विशेष लगता था। रामचंद्रिका में सबसे अधिक सफलता संवादों में मिलती है। इन संवादों में अनुकूल क्रोध उत्साह आदि की सुंदर व्यंजना भी हुई है, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, अंगद रावण संवाद, लकुश के संवाद तथा वाक्पटुता और राजनीतिक दाव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है, क्योंकि दरबारी वातावरण में वो पले हैं और वहीं उन्होंने रचना की है, इसलिए दरबारी वातावरण का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने किया है। आखिर में केशव के बारे में हम ये कह सकते हैं कि केशव रीति परंपरा के प्रवर्तक बने हैं।
क्योंकि इस तरह के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हिंदी में किसी ने लिखे नहीं थे। डॉक्टर नगेंद्र और श्याम सुंदर दास आदि आलोचक केशव को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, रीति निरूपकों की तुलना में व्यापक विवेचन क्षेत्र को ग्रहण करते हुए प्रखर पांडित्य, आचार्यत्व के गंभीर स्वतंत्र चिंतन एवं असाधारण प्रतिभा द्वारा परवर्ती कवियों को प्रभावित करने तथा उनसे उचित सम्मान प्राप्त करने के कारण आचार्य केशवदास रीतिकाल का प्रवर्तक कहलाने के सहज अधिकारी कहे जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानकर चिंतामणि को मानते हैं। वे कहते हैं, केशव ने जिन संस्कृत ग्रंथों को आधार मानकर रीति ग्रंथ लिखे हैं उनका अनुकरण परवर्ती कवियों ने नहीं किया, बल्कि चिंतामणि की परंपरा को ही ग्रहण किया। साथ ही केशव के 50 वर्ष बाद चिंतामणि से ही रीति विषयक परंपरा निरंतर प्रभावित हुई। इसलिए आचार्य केशव आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानकर कवि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त का मत भी द्रष्टव्य है। वे कहते हैं, रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा ये बात बार बार दोहराई जाती है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया या जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया उनका अनुकरण परवर्ती रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतः केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय मिलना चाहिए, परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत ही प्रभावशाली नहीं था। ये दूसरी बात है, अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था। रीतिकाव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूप में हमारे सामने आते हैं और बाद के युग के लिए प्रेरक व्यक्ति प्रेरक शक्ति के रूप में रहेंगे, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका महत्व इतना अधिक नहीं हो। इसलिए अधिकतर विद्वान केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में लक्षण ग्रंथ की एक नई परंपरा शुरुआत की है और एक अच्छे कवि भी थे। कवि के रूप में उनके 5 प्रबंध काव्य हैं और आचार्य के रूप में उनके 3 केशव प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला ग्रंथ है। इसलिए केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निसंदेह केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। धन्यवाद।